नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर इस वक्त की। बुलंदशहर से आ रही है जहां पर सीएम अखिलेश यादव को खून से चिट्ठी लिखने वाली बेटियों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुलाकात की और अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात हुई है। बच्चियों को 10 लाख रुपए मुआवजे के अलावा बच्चियों के मामा को एक सरकारी नौकरी, नानी का सरकारी पैसों पर इलाज और एक सरकारी मकान देने का ऐलान भी किया है मुख्यमंत्री ने। आपको बता दें कि इन बच्चियों का आरोप है कि पिता के घर वालों ने उनकी मां को उनके सामने ही जला दिया क्योंकि वो उन्हें बेटा नहीं दे पाई थी। इसके बाद इन बच्चियों ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और इसी के बाबत आज अखिलेश यादव ने इन बच्चियों से मुलाकात की, इन बहनों से मुलाकात की, जिसके बाद आश्वासन दिया है, 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, साथ ही साथ एक सरकारी नौकरी और एक सरकारी मकान की भी बात कही है। तो इन बहनों को फौरी तौर पर मदद दिलाए जाने की बात कही है अखिलेश यादव ने। अब से थोड़ी देर पहले इन बेटियों से मुलाकात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में, एक चिट्ठी खून से लिखी थी इन बहनों ने सीएम को और साथ ही प्रधानमंत्री को भी। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अब से थोड़ी देर पहले ये मुलाकात हुई है, क्या सीएम से मिलने के बाद बच्चियों ने और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव को? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने अखिलेश यादव का धन्यवाद प्रकट किया है और संतोष जाहिर की है। पूरी तरह से सेटिस्फाइड लग रही थी ये दोनों बच्चे जब ये सीएम आवास से बाहर निकले हैं और इन्होंने संतोष जताया, सेटिस्फेक्शन जताया और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनको पूरी उम्मीद इस बात की है कि उनके साथ जस्टिस होगा, उन्हें न्याय मिलेगा। जिस बात के लिए वो भटक रही थी दर दर, अब वो उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से सीएम से मीटिंग करने के बाद दोनों लड़कियों को लगता है कि जो भी गलत हुआ है उनके साथ, वो उसके साथ अब उनको न्याय मिलेगा। जी, जो ऐलान किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि बच्चियों को 10 लाख रुपए भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जो है जो बच्चियों के मामा है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही सरकारी आवास भी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो दोनों बच्चियां हैं ये अनाथ हैं, इनके माँ बाप नहीं हैं, तो जो मामा इनके हैं वो मामा भी इनकी देखभाल करते हैं। तो लिहाजा नियम तो ये है कि जो बच्चा प्रभावित है उसके उसके फादर या मदर या उसके ब्रदर को नौकरी दी जाती है, लेकिन चूंकि इन दोनों बच्चों का कोई नहीं है, मामा ही इनके अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, कुछ भी कह लीजिए, तो लिहाजा सरकार ने ये निर्णय लिया कि इनके जो मामा इनकी देखभाल कर रहे हैं उन्हें ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 10 लाख रुपए कैश दिया जाएगा और साथ ही साथ एक आवास भी इनको मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।